गाइस वेलकम टू द ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में बोरिंग लेडी कर्जन हॉस्पिटल के बारे में, जो बेंगलोर में ही है। बहुत पुराना हॉस्पिटल है, लगभग अराउंड 100 साल पुराना हॉस्पिटल है और ये ब्रिटिश के टाइम का है। तो पहले शायद ये मैसूर में हुआ करता था, जब मैसूर वो था, राजधानी था कर्नाटक का, तो उस टाइम का ये हॉस्पिटल बना हुआ है। बट हाँ, अभी जो है ये बेंगलोर में स्थित है, शिवाजी नगर बस स्टैंड के बगल में, जो अराउंड विधानसौदा से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मतलब एक रिसर्च सेंटर है और मेडिकल कॉलेज है, यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं। और अभी तो बहुत विशाल बन रहा है, मैं इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा कितने बड़े में काम चल रहा है। और बहुत सारे हॉस्टल्स हैं बच्चों के रहने के लिए वहाँ पर, और इलाज जो है मतलब बहुत कम पैसे में वहाँ पर होता है। यानी कि सरकार का हॉस्पिटल है तो ऑब्वियसली भाई कम ही पैसे में होगा, और वहाँ पर बहुत सारे इलाज होते हैं। देखो वैसा तो मतलब सीन वाइज नहीं है, बट अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो वहाँ पे आज जाके आप पता करो, जहाँ 50,000 लगने का वहाँ पे आपका 10 या 15,000 रुपए में काम हो जाएगा। वो एक ऐसा हॉस्पिटल है और ये जो है यहाँ पे आने के लिए एकदम इजी है। अगर आप बेंगलोर आते हो, बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ से आपको मेट्रो से भी आ सकते हो। कब्बन पार्क का जो आपका मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप कितना एक अगर वॉक करके आते हो, आपको एक 15 मिनट लगता है। अगर आप बस में आते हो वहाँ से बेंगलोर सिटी से, तो आपको 15 से 20 रुपए आपका रेंट होता है वहाँ से यहाँ आने के लिए। बट हाँ, काफ़ी ओल्ड हॉस्पिटल है यार ये, जो ब्रिटिश के टाइम का ही है। तो मैं बहुत सारी क्लिप बनाया हूँ, आप इस वीडियो में आगे देखो, काफ़ी बढ़िया है।